न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान दिग्गजों को मिला आराम। अगर हम भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो हाल फिलहाल वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं। वहीं अगर हम महिला टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में उनका निराशजनक प्रदर्शन रहा और ग्रुप स्टेज से वो बाहर हो गए। भारतीय पुरुष टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलेगी, उसके बाद उनका अगला दौरा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की T20 श्रृंखला का है। वहीं अगर हम भारतीय महिला टीम की बात करें तो T20 में निराशजनक प्रदर्शन के बाद अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए उनकी टीम तैयारी करने में जुट जाएगी, क्योंकि उनकी जो श्रृंखला होगी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला होगी और उसके लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान हो चुका है। इसमें दिग्गजों को आराम मिला है, कौन कौन से खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, किसको बाहर किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, भारतीय टीम का स्क्वाड बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड न्यूमैन के बीच जो 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला है उसका शेड्यूल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला का क्या है, कब इस श्रृंखला का आगाज होने वाला है। तो आप देख सकते हैं पहला ओडीआई 24 अक्टूबर को थर्सडे भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे मुकाबला कहां होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दूसरा 27 को वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और तीसरा 29 को ये भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही होगा। तो आप समझ सकते हैं ये 3 मैचों की जो ओडीआई श्रृंखला है ये अगले साल वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां हो रही हैं। भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप में दस्तक देगा, हालांकि T20 वर्ल्ड कप में जरूर इनके हाथों निराशा लगी है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट की एक मजबूत एक सशक्त टीम इधर बीच उभर कर भारतीय टीम सामने आई है, तो इनसे उम्मीदें ओडीआई फॉर्मेट में काफी ज्यादा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इनका किस तरीके का ओडीआई फॉर्मेट में, खासकर इस ओडीआई श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन आता है। वहीं अगर हम स्क्वाड की बात करें तो यहां पर 3 बड़े नाम बाहर बैठाए गए, कारण अलग अलग हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पूजा वास्त्राकर की, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, वहां पर वो नी में इंजरी लगी थी उनको। हालांकि वापसी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर की, लेकिन BCCI ने एहतियात बरतते हुए उनको आराम दिया है और मेडिकल टीम के निगरानी में वो रहेंगी। अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो ऋचा घोष हैं, ऋचा घोष जो कि 12th का एग्जाम देने वाली हैं, जिसके कारण उन्होंने छुट्टी ली हुई है और वो इस स्क्वाड में नहीं उपलब्ध हैं। और जो तीसरी खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अपना छाप छोड़ा था, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में चोट के कारण नहीं खेल पाई थी, आशा शोभना है, वो भी इस स्क्वाड में नहीं दिख रही है, क्योंकि आशा शोभना भी मेडिकल टीम के निगरानी में होगी और उनका देखा जाएगा कि चोट कैसे चल रहा है। तो ये 3 बड़े खिलाड़ी हैं जो कि आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। यास्तिका भाटिया की यहां पर ओडीआई फॉर्मेट में वापसी हो रही है, उमा छेत्री भी आई हैं, तेजल हसबिंस आई हैं, ये बहुत बेहतरीन इंडिया ए वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ए के बीच जब श्रृंखला हुआ था 3 अर्धशतक वहां पर चढ़ी हुई थी और उसका इनाम इनको यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम स्क्वाड की बात करें, जो अनुमान लग रहे थे कि क्या कौर रहेंगी नहीं रहेंगी, तो T20 फॉर्मेट के लिए अभी अनुमान लग रहे थे ओडीआई फॉर्मेट में, इन्हीं के साथ शायद ओडीआई वर्ल्ड कप अगले साल भारतीय टीम खेलने वाली है। हरमनप्रीत कौर कप्तान रहेंगी, स्मृति मंदाना वाइस कप्तान, शफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक, यास्तिका, उमा छेत्री और तेजल। फिर अगर हम ऑलराउंडर्स में आए तो डी हमलता, दीप्ति शर्मा, सयाली सदगरे। फिर बॉलर्स में आए तो अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, साइमा ठाकुर, प्रिया मिश्रा, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, प्रिया मिश्रा, साइमा ठाकुर और सयाली सदगरे, ये सब WPL से उठकर आई हैं। WPL में इनका शानदार प्रदर्शन रहा है, कोई UP वॉरियर्स से आया है तो कोई गुजरात जायंट्स टीम से आया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो नए नवेले खिलाड़ी हैं, चाहे हम सयाली सदगरे की बात करें, साइमा ठाकुर की बात करें, प्रिया मिश्रा या तेजल हसबिंस की, किस तरीके का प्रदर्शन इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ रहता है। लेकिन उम्मीदें दावेदारी फिर से हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ियों पर रहेगा। कैसा ये प्रदर्शन करती हैं यही भारतीय टीम देखेगी और किस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिजल्ट आता है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम हाई स्कोरिंग ग्राउंड और एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुफीद कंडीशंस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।